भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। I said that our response will be different. The team is fantastic. सत्ताईस फरवरी पाकिस्तान की फतह का दिन। दिन की रोशनी में पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया और अल्लाह की मदद से जो है वो फतह हासिल की, जो हमेशा से पाकिस्तान की रीत रही है। ये मामला असल में है क्या था? हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ, सीनियर एनालिस्ट हैं। शुक्रिया आपका आपके वक्त देने का। इंडियन मीडिया जो है वो हाइप क्रिएट करता है, छोटी सी बात को वो बढ़ा चढ़ा के बयान कर देते हैं। खुद अभिनंदन ने जी वो आप मेरे मुंह की बात आप ले रहे हैं कि अभिनंदन ने ये बात की थी कि जब वो वापस जा रहा था तो कि भी ये इंडियन मीडिया जो है वो बात को बहुत बढ़ाता है। बात ये सिंपल है कि हमारी ये भरपूर फतह का दिन है। ये इंडियन आर्मी जानती है कि उस दिन क्या हुआ था, इंडियन फजाइया जानती है, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनको किस बुरे तरीके से वो पिटे थे। इसके सबूत मैं आपको आगे दूंगा कि वो किस बुरे तरीके से पिटे थे। और जैसे जख्मी रीछ या जख्मी सांप तड़पता है, इस तरह उसकी उनकी तड़प का मुजाहरा हमने देखा है। और हमारी आर्मी को भी पता है, उनकी नॉन प्रोफेशनल किसी किस्म की प्रोफेशनलिज्म नहीं था इंडियन आर्मी में उस दिन वो किस बुरे तरीके से पिटे हैं और वो कैसे दुनिया के सामने जाहिर हुए, जो वो ब्राइट इंडिया और इस तरह के नारे लगाते हैं शाइनिंग इंडिया, और झूठा प्रोपगेट करके अपनी मीडिया के जरिए हाइप क्रिएट करके लोगों को कुछ और दिखाते हैं। 26 फरवरी को भारत ने इसी तरह खुद साख्ता मनसूबे का जो पुलवामा अटैक हुआ था वो इनसाइड इंडियन एजेंसियों की राह की कार्रवाई थी। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोपना था और थोप के हम पे हमले का मंसूबा बनाना था, सर्जिकल स्ट्राइक और ये वो जो बड़ी देर से ड्रामे कर रहा है, बड़ी देर से इस पर लगा हुआ है वर्ग। जैसे कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन था एक, हमने उसका तोड़ किया, तो इस तरह इंशाल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान इसका भी तोड़ निकाल लेंगी और निकाला भी है। तो जनाब उस दिन ये इन्होंने हुआ ये शहबाज साहब कि ये पुलवामा अटैक का इल्ज़ाम आपको याद होगा जैश ए मोहम्मद पर लगाया गया था। जैश ए मोहम्मद का एक मदरसा है जो बहावलपुर में है गालिबन, इन्होंने उस पर इंडिया ने पहले हमले का मंसूबा बनाया कि जैश के हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, लेकिन फिर पता चला उनको इंडियन को कि पाकिस्तान ने बहावलपुर में अपना दिफा बड़ा मजबूत बना रखा है। और दूसरा पाकिस्तान मदरसा, ये मदरसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास था, पंजाब गवर्नमेंट के पास था, इस वजह से कोई लॉजिक नहीं थी कि इंडिया उस पर हमला करता, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट के पास था। तो अगर तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती तो बात बनती थी, और दूसरा प्राइवेट भी हो तो हमारी सरहद में कौन घुसने गुजर इस तरह घुसने की जरूरत क्यों करे हमारे घर में। तो उसके इन्होंने तैयारी की, एक खुद साख्ता मंसूबा बनाया और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, इनके साथ ना इंडिया ने अपनी फॉर्मेशंस को उड़ाना शुरू किया और बहुत बड़े पैमाने पर जहाज़ उड़ाए। गालिबन एक वक्त में हमारे एयर चीफ ने भी बताया था कि पाकिस्तान का रहीमिया खान के ऊपर, फाजलिका और उकाड़ा, इस तरह और दो चार जगहों पे इंडियन तैयारों से सामना हुआ। इंडिया हमारी एयरफोर्स को ट्रैक से उतार रहा था, वो हमारे बॉर्डर के साथ फॉर्मेशंस मुख्तलिफ उड़ा रहा था, तीन तीन चार चार टोलियों की शक्ल में। मिराज उड़ रहे थे, तजास उड़ रहे थे, MiG-21, MiG-29, सखोई वगैरह ये उड़ रहे थे। मकसद ये था कि पाकिस्तान को अंदाज़ा ना हो सके कि हम कार्रवाई कहाँ करने वाले हैं। पेट्रोलिंग जो होती है ना जवाब में, जब पाकिस्तान भी तैयारें उड़ा रहा था तो ये बहुत बड़ा खर्चा है पेट्रोलिंग करना। एक जहाज़ जब पेट्रोलिंग के लिए उड़ता है तो वो लाखों रुपए का तेल पी जाता है। आप जहाज़ों की बात करें, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात होगी हमारे नाज़रीन के लिए, जो जहाज़ से उस वक्त क्या वो F-16 थे या JF-17 थंडर तैयार थे, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा चलें, आपने दरमियान में एक सवाल कर दिया, मैं इसका छोटा सा जवाब दे के बात की तरफ आता हूँ। आपने हमारे एयर चीफ ने अपने प्रोग्राम में कहा था, मैं वही अल्फाज दोबारा दोहराऊँगा, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं थप्पड़ दाएं हाथ से मारूं या बाएं हाथ से, चोट तो लगती है, चोट तो लगती है। तो आपको F-16 से हमने मारा या JF-17 थंडर से मारा या मिराज 5 से मारा, तो आपको चोट तो लगी है ना, आपको पता तो लगा है ना कि हमला क्या होता है, प्रोफेशनल आर्मी क्या होती है। और फिर एक जो बालाकोट के करीब जगह है वहाँ पर इन्होंने अटैक किया और अपने जो स्पाइस बम हैं, जो इसराइली साख्ता बम है, जो गाइडेड होते हैं और कई सौ किलोमीटर दूर से, मैंने पहले भी बताया था, वो फायर किए जाते हैं और एन मुकाम पर गिरते हैं। वो बड़ी तेज़ तरीन कार्रवाई हुई है, ये कोई गालबन तीन से चार मिनट में पाकिस्तानी हदूद से वापस निकल गए। इतने हमारे इस जगह जहाँ पे ये अटैक हुआ है, यहाँ से हमारा करीब इतनी में बेस नूखान एयर बेस है, वहाँ से तैयारे उड़े होंगे, F-16 उड़े जो भी उड़े हुए काउंटर करने के लिए, उतनी देर में मिराज उनके तैयारे 2000 वापस जा चुके थे। अब इन्होंने अपने मीडिया में हंगामा बरपा किया और उनके जो आर्मी के तर्जमान थे उन्होंने कहा जी हमने 300
दहशत गर्दों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब मीडिया को हमने विज़िट करवाया, हामिद मीर साहब गए और दूसरे लोग गए, तो वहाँ पे कुछ दरख्त तबाह हुए हुए थे जिनको मैं दरख्तों को शहीद कहूँगा और मैं उस कौवे को भी शहीद ही कहना चाहूँगा जो इनके हमले में तब मारा गया। वो कौवे की दिखाई एक कौवा, और उसके अलावा कोई बिल्डिंग नहीं। इनके वो बेहतरीन बॉम्ब भी निशाने पर नहीं बैठे। ये जो लड़ाई होती है ना सर, ये बड़ी समझदारी की बात होती है। आर्मी अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत सोच विचार के साथ तय करती है, और मकसद भी यही होता है कि दूसरी आर्मी को पता ना चल पाए आपकी स्ट्रैटेजी क्या, आप बेवकूफ़ी कर जाए। लेकिन हमने भी बहुत अकलमंदी का मजा लिया। बात यह थी कि उस दिन इंडिया भी बंदे नहीं मारना चाह रहा था, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करना चाह रहा था, क्योंकि जवाब की तब अगर इस तरह बंदे हमारी किसी सिविलियन आबादी हमारी निशाना बन जाती तो हम जवाबी हमला नहीं करते। और इनको इसके बावजूद मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिस दिन ये 26 फरवरी को हमला हुआ है ना, इंडियन आर्मी अगले दिन और उस रात हमारे हमले का इंतज़ार करती रही है। इंडिया के जितने करीब के शहर बॉर्डर के साथ थे, सब में हाई अलर्ट था कि फ़ज़ाई हमला बाहर पाकिस्तान की तरफ से होने वाला है। हमने 27 फरवरी का दिन मुंतखब किया, डीजीआई एसपीआर ने, आपने मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि हम दिन की हम जगह और अपनी चॉइस पर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या। और यहाँ पर मैं मज़ीद ऐड करूँ कि यासाद साहब के बयान को हम एक थोड़ा सा वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हुआ क्या। यासाद साहब कह रहे हैं कि इंडिया हम 9 बजे इंडिया की तरफ से हमले का ख़तरा था, अभिनंदन की वापसी के साथ जुड़ा हुआ था, ये था वो था, और हम टांगें कांप रही थी, ये वो। जबकि हकीकत में जो टांगें कांपने का मसला था वो इंडिया की कांप रही थी। इंडिया के तमाम शहरों में पाकिस्तानी हमले का इंतज़ार था कि पाकिस्तान हमला करने वाला है। उनकी टांगें भी कांटने भी कांप रही थी, उनके दिल भी कांप रहे थे। उन्होंने हाई अलर्ट किया हुआ था अपने पूरे बॉर्डर के ऊपर के, और सिविलियन आबादी को पीछे हटाया जा रहा था। उस दिन एक्टिविटी कोई नहीं थी इंडियन बॉर्डर पर, यानी जो इंडियन शहर थे ना वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं थी। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि वो टांगे कांपने का जगह था यार सादिक साहब, आप पता नहीं कैसे भूल चौक में बात करके कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इंडियन चीफ है वो वहाँ पे थे और हमारी आर्मी के बिल्कुल निशाने पर थे, ऐन निशाने के। आपने बिल्कुल शहबाज साहब आपने बहुत अच्छी बात की। हुआ ये कि जब अल्लाह ताला की मदद से हमने 27 फरवरी को अपने JRF 1700 और दूसरे प्यारे फॉर्मेशन की सगन में श्रीनगर पहुँचे हैं, कश्मीर पहुँचे हैं, तो वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ, हमने 6 मकाम को लॉक किया। इंडिया ने उस दिन 4 बम फेंके थे और 1 बम इंडियन टेरिटरी में गिरा था। हमने, आपको याद होगा जब एटमी धमाके हुए थे तो जितने इंडिया ने धमाके किए थे हमने 1 प्लस एटमी धमाका किया था, तो इस दफ़ा भी हमने यही किया। हमने 6 मकाम को लॉक किया और उनमें से श्रीनगर में हेडक्वार्टर भी लॉक था, और जहाँ पे इंडियन आर्मी चीफ की मौजूदगी की इतला थी कि इंडिया के आर्मी चीफ वहाँ बिल्डिंग में कश्मीर में मौजूद थे, और हमने वो बम साइड्स पर गिराए और वापसी जा रहे थे। यहीं पे हमारा जो, चूँकि हमने पूरी प्लान किया था इस हमले के लिए, हमारा जो रडार सिस्टम वाला तैयारा है औकाश, वो फ़ज़ा में था। उसने इतला दी पाकिस्तानी शाहीनों को कि इंडियंस आपका पीछा कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे डॉग फाइट का आगाज़ होता है। MiG-21 और JF-17 Thunder आमने सामने आते हैं, उधर फोर्थ जनरेशन का तैयारा सुखोई है, MiG-29 है जो बहुत जदीद तैयारा है और फोर्थ जनरेशन का कहलाता है। इन दोनों तैयारों को सर हमने हिट किया। हमने इनके इन तैयारों के निज़ाम जो थे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो थे, रडार जो थे, इनको जैम कर दिया था। और फिर उनको अभिनंदन का जहाज़, एक बग़ैर ड्राइवर के कार जो होती है ना, जो उसकी बुरी हालत होती है, इस तरह की हालत थी, उसको फिर एक बियॉन्ड BVR मिज़ाइल सिस्टम से निशाना बनाया गया, यानी बियॉन्ड रेंज, नज़र न आने वाली हदूद से आगे वाले मिज़ाइल की। पाकिस्तान ने उस दिन बहुत प्रोफेशनलिज्म था और जदीद टेक्नोलॉजी जो थी ना उसका भरपूर मुजाहरा किया था। जब हमने ये तैयारा गिरा दिया, अभिनंदन गिरफ्तार हो गए। जब पाकिस्तान ने भरपूर हमला किया तो आप यूँ समझे एक रीच को ना बिल्ली ने पंजा मार दिया। साइज़ के मुताबिक तो इंडिया रीच है, हम उनसे साइज़ में छोटे हैं। अब वो ज़ख्मी रीच है, ज़ख्मी सांप है, वो तड़प रहा है जवाबी हमले के लिए। जवाबी हमले के लिए इंडिया ने यहाँ दो बातें कोड है, वो ये है कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर के ऊपर ना ड्रोन एक्टिविटी कर रहा था, फ्लाई इंडिया की देख रहा था कि इंडियंस अब क्या करने वाले हैं। उनमें से हमारे ड्रोन ने राजस्थान सेक्टर में इंडियन मिज़ाइल बरहमूस मिज़ाइल की नकलो हरकत को नोट किया। बरहमूस मिज़ाइल इंडिया का सुपरसोनिक क्रूज़ मिज़ाइल है जो अपने टारगेट को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये अच्छा मिज़ाइल है उनका, इसके ज़रिए उन्होंने लॉक किया और हमारे फ़ौजी मुकाम को, तनसीबात को, कोई 10-12 मुकाम की निशानदेही होती है कि इनको लॉक किया। उन्होंने हमले का भरपूर इरादा कर लिया कि हम पाकिस्तान पर अटैक करें। पाकिस्तान को एक तो ये अपने ड्रोन के जरिए मदद मिली, दूसरा ये कहा जाता है कि इंडिया की जो उस दिन हाई ऑफिशियल मीटिंग थी जिसको नरेंद्र मोदी हेड कर रहे थे, उस मीटिंग की जो कुछ चंद बातें थी वो जनाब सुन ली अमेरिकन इंटेलिजेंस ने या किसी और मुल्क की इंटेलिजेंस ने, वो इतला पाकिस्तान को पहुंचाई गई।
जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया, ये बात है जहां पे हमने इंडियन हमले को भारत को न सिर्फ जंग से बाज रखा बल्कि उस दिन उसको भरपूर शिकस्त भी दी। बिल्कुल बिल्कुल। और हुआ ये कि हमने जवाब में अपना शहीन 3 मिसाइल लॉन्च करने का इरादा जाहिर किया। शहीन 3 2700 किलोमीटर 2700 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है, जदीद है, एटमी वॉरहेड लगता है इस पर, एटॉमिक मिसाइल है, तबाह कुन मिसाइल है, तेज तरीन मिसाइलों में शुमार होता है, जदीद मिसाइलों में शुमार होता है। हम इसको खुली फिजा में ले आए थे। हमारा मकसद ये था कि इनको बैरूनी ममालक के जो सैटेलाइट्स हैं वो देख लें और फिर बताएं इंडिया को कि जवाब में क्या आएगा। और हुआ भी ऐसे एग्जैक्टली। उस दिन अल्लाह ताला ने हमारी इतनी मदद की जैसा हमने सोचा वैसा हुआ। ऐसा हुआ बिल्कुल, कोई शक नहीं। जब हमने शाहीन 3 को दिलाए, अमेरिकन सैटेलाइट या जिस भी सैटेलाइट ने या जिस भी एजेंसी ने इंडिया को इतला दी कि पाकिस्तान वापसी में शहीन 3 से हमला करेगा, तो इंडियंस बाज आए थे। अभिनंदन का जो वापस करना था, अभिनंदन को वापस करने का मकसद भी जंग को रोकना था। जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो कुछ मुआहदे थे उसके मुताबिक हमने वापस किया उस कैदी को, वो जंगी कैदी था, उसको प्रोटोकॉल से उसके कुछ उसको वापस किया, जंग को रोका। बेसिकली आपकी जीत ही जंग को रोकना थी। आपने इंडिया को ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि उसे बदला नहीं लेने दिया और उसे जंग से भी बाज रखा। इससे बढ़कर और क्या फतह होगी आपकी? बिल्कुल ठीक है। ये हमारी इखलाकी तौर पर भी फतह है। इंडियंस ने तस्लीम किया था कि हमारे DGISPR ने और ISPR ने उस वक्त भरपूर जो है ना अपने बयानियों को, आजकल जो एक नया लफ्ज़ हमारे अपोजिशन और हुकूमत में चल रहा है बयानियाँ, तो मैं भी यही इख्तियार करता हूँ, बयानियाँ जो था उसको अप्रिशिएट किया बहुत सारे ममालिक ने, हमने देखा भी। बहरहाल ये हमला जो हमने किया ये हमारी भरपूर कामयाबी थी, हमने जंग को रोका, ये हमारी भरपूर कामयाबी थी कि दो एटमी ममालिक तनाव की कैफियत में है और एटमी जंग चंद मिनट के फासले पर है, और क्या इंडिया जीत जाता, कैसे जीत जाता? साहब हमारे पास भी वही हथियार है जो आपके पास है और हो सकता है तादाद में आपसे ज़्यादा हो। और हमारे शेख रशीद विशाल वैसे भी कह चुके हैं कि पाओ पाओ के आइटम बम भी हमने बनाए हुए हैं, तो ये पाओ पाओ के जो आइटम बम है ये हमने किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर तैयार किए हैं। बिल्कुल रव साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे अपने पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं, और ये भी बताया कि अयाज़ सादिक साहब का जो कि एक बड़े मैच्योर सियासतदान समझे जाते हैं, लेकिन ये टंग ऑफ लूज जो है वो हो सकता है कि जो बयान है वो एक मतलब गैर इरादी तौर पर मतलब कि निकल गया हो। खैर ये एक मुतनाज़े था और ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत को हमेशा ही ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान वो कुव्वत वो हिम्मत रखता है कि पहले तो हम बड़े पीसफुल हैं, बड़े अमन हैं, हम इब्तदा नहीं करते, लेकिन जब अगर दुश्मन नगर ऐसी नज़र से देखे उसका फिर दिन की रोशनी में और तबाहकुन जो है ना उसका हम जवाब देते हैं। बल्कि प्रोग्राम के एंड पे जो है ना मैं आखिर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान उनकी बात को करूँगा कि वो भी हमेशा अमन की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, जो काम मेज़ पर हो सकता है वो कभी भी मैदान में नहीं हो सकता। फिर एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।